आपका नाम? पिलूरा। फिर से एक बार दर्शकों को बताइए, लोगों को बताइए, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? पिलूरा बाजार कहिया। और आपके द्वारा कोई भी खेत बेचा गया था कभी भी? कभी भी खेत बेचा नहीं गया है। आपने आज तक कोई खेत बेचा है? नहीं बेचा ना? नहीं। तो पीलू राम जी के द्वारा आज तक किसी भी खेत का विक्रय नहीं किया गया है। उसके बाद भी ग्राम बाजार अतरिया, ये आपका बाजार अतरिया खाद सोसाइटी द्वारा इनकी ज़मीन 47.859/1/3 को बढ़ाकर 4, 5, 6, जिसमें 3 लोगों को और फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, वो भी 420 तरीके से। बाजार अतरिया, फिर से आपको एक बार और बताते हैं, बाजार अतरिया खाद सोसाइटी द्वारा ये केसीसी और बीमा बहुत ही बड़ी मात्रा में पीलू राम के और भी जो हाईवे में खेत हैं इनके, और सबके सबको टुकड़े करके बेच दिया गया है और केसीसी बीमा दिया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा स्कैम और बहुत बड़ा फ्रॉड काम सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। और इनकी पुष्टि करते हैं ये तहसीलदार कार्यालय के ये लेटर, जिसमें जांच रिपोर्ट को सीमांकन बताते हैं, और ये है आपका इनका सीमांकन वाला रसीद, और ये है सीमांकन किया गया आरआईटी काम के द्वारा, जिसमें लिखते हैं 10 टुकड़े हो गए हैं 8.59/1 के, और ये कमलेश जैन, महेश जैन को कब्जा दिलाते हैं तथा उनके ही नंबर पर 8.59/1 पर कब्जा कराते हैं। ये भूमाफिया लोगों ने बहुत परेशान कर दिया है इनको, और ये कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया गया था जिस पर अभी किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, और ये न्यूज़ में भी छपा था। और बस आपसे यही कहना है कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले, और इनको 90% दिव्यांग है, और मैं इन्हीं का पुत्र राजकुमार हूँ, और मेरे ही द्वारा ये सब वीडियो बनाया गया है, क्योंकि हम लोग दौड़ दौड़ के बहुत परेशान हो चुके हैं और हमको न्याय नहीं मिल रहा। तो सब कहने का मतलब एक ये है, और मैं और कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा फ्रॉड काम चल रहा है भू माफिया द्वारा। पूरे के पूरे मेन हाईवे को इन्होंने नक्शे से ही हटा दिया है, ऑनलाइन नक्शे से हटा दिया है, तो मतलब कितने किसानों की ज़मीनों को कैसी सी बीमा जैसे काम कर रहे हैं ये लोग। और मैं हमारे जो मुखिया हैं पार के देवकरण जी, उनसे भी कहना चाहता हूँ, वो अभी ये अभी काम कर रहे हैं, मवेशियों को न्याय दिला रहे हैं और उनके लिए सोच रहे हैं, लेकिन वो खुद भी पेट्रोल पंप के मालिक हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपके पेट्रोल पंप के सामने पूरे के पूरे हाईवे को हटा दिया गया है, तो आप भी इसमें आइए और बोलिए। और आपके ही बगल में कमलेश जैन भूमाफिया रहता है, उनको समझाइए ताकि दिव्यांग को परेशान व प्रताड़ित ना करें। देवकरण जी से हम कहना चाहते हैं, और बाकी ये सारे लेटर हमने आपको दिखाए हैं एक एक करके, और इतना बड़ा मेन हाईवे है और 3-3 इस गांव में पेट्रोल पंप हैं, लेकिन पूरे के पूरे हाईवे को हटा दिया गया है, सोचिए उसके बाद भी। ये विडम्बना है, बहुत बड़ी विडम्बना है,
धन्यवाद। नमस्कार। राजकुमार विशेष संवाददाता खैरागढ़।